सिग्नल से दूर के बाद ये लाइट पोल के ऊपर भी इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये रोड है, इसके ऊपर ऐसी कोई किसी किस्म के बैनर्स नहीं होने चाहिए। इंतखाबात 2018 की पोलिंग का दिन करीब आते ही कौम का इलेक्शन बुखार अरूज पर पहुंच गया। मुल्क भर में 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में तमाम सड़कों, बाजारों, गली मोहल्लों को इंतखाबी उम्मीदवारों के बैनर्स और फ्लेक्सेस और इश्तहारात से भर दिया है। इंतखाबी मुहिम के इन बैनर्स और फ्लेक्सी से सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी इश्तियारी मुहिम चलाने में आसानी तो है, मगर शहरियों का कहना है कि इससे शहर का हुस्न भी कम हो गया है। इशारे पे एक्सीडेंट भी हुआ है ये बैनर की वजह से, क्योंकि बैनर लग जाते इशारे के आगे और जो गाड़ी वाले को नजर नहीं आता। पाबंदी भी लगाई हुई है कि आपने इतना पैसा खर्च करना है ये बैनरों पे, आप देख लो तो ये करोड़ों रुपए लगा हुआ है इनका, तो ये इसका कोई वो नहीं है पूछने वाला। इशारे पे लगाए हुए है ना, ये ठीक नहीं है। जो आगे पीछे लगाए हुए हैं ना, उनका कोई हम प्रॉब्लम नहीं है। इशारों पे बहुत हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब इशारा खुलता है तो पता ही नहीं चलता कि ये इशारा खुला है या नहीं खुला है। बैनर वगैरह चले गली मोहल्लों में वो ठीक है, लेकिन मेन रोड पे ये नुकसानदेह है। इंतखाबात 2018 मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है, इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चल रहे हैं। इंतखाबात में जीत किस पार्टी का मुकद्दर बनेगी, इसका फैसला तो 25 जुलाई के रोज ही होगा। क्या शहर भर में लगे हुए फ्लेक्सेस और बैनर्स को दोबारा हटाकर शहर की खूबसूरती को बहाल किया जाएगा? कैमरामैन विल्सन मुनव्वर के साथ अरूज खालिद, 25 न्यूज़ लाहौर।